यूरोप में पुतिन के दोस्त सर्बिया और नेटो के साथी कोसोवो के बीच फिर तलवारें खिंच गई। इस बार तो उत्तरी कोसोवो में रहने वाले सर्ब समुदाय के लोग वहां मौजूद नेटो की शांति सेना पर ही टूट पड़े। कोसोवो में अप्रैल में लोकल काउंसिल के चुनाव हुए थे जिनमें अल्बेनियाई मूल के मेयर चुनाव जीत गए। इसी बात पर सर्ब समुदाय के लोगों का पारा चढ़ गया और उन्होंने नेटो की शांति सेना पर धावा बोल दिया। सर्ब समुदाय के लोग उत्तरी कोसोवो की एक म्यूनिसिपल बिल्डिंग के बाहर जुट गए ताकि चुनाव जीते नए मेयर को दफ्तर में घुसने ही न दिया जाए। इसी चक्कर में उनकी नेटो के सैनिकों से हाथापाई हो गई। प्रदर्शनकारी नेटो के सैनिकों पर पत्थर से लेकर पेट्रोल बम यहां तक कि आंसू गैस के गोले और स्टन ग्रेनेड तक फेंकते नजर आए। नेटो ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के हमले में उसके कम से कम 30 सैनिक घायल हो गए। इस पर सर्बिया ने भी दावा ठोक दिया कि सर्ब समुदाय के भी 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, जिसका समर्थन करने के लिए चीन भी कूद पड़ा। सर्बिया रूस का साथी है और चीन रूस का दोस्त है। ऐसे में चीन भी इस लड़ाई में सर्बिया के साथ खड़ा हो गया और चीन ने साफ साफ कह दिया कि वो सर्बिया की अपनी संप्रभुता की रक्षा की कोशिश का पूरा समर्थन करता है। कोसोवो के जिस उत्तरी हिस्से में हंगामा मचा है वो सर्बिया की सीमा से लगता है और वहाँ सर्ब समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं। कोसोवो पहले सर्बिया का ही हिस्सा था मगर 2008 में उसने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया, लेकिन सर्बिया कोसोवो को अपना हिस्सा मानता है। चीन भी कोसोवो को अलग देश नहीं मानता और कोसोवो में बसे सर्ब समुदाय के लोग भी सर्बिया को ही अपना देश मानते हैं। इसी वजह से उन्होंने उत्तरी कोसोवो में लोकल काउंसिल चुनाव का बहिष्कार किया था। इस बीच यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक उसकी राजधानी कीव में रूस की सेना ने बड़ा ड्रोन हमला कर दिया, जिसके बाद कीव में अलर्ट जारी कर दिया गया। क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा हमला नहीं था बल्कि एक इमारत पर किया गया जोरदार हमला था, जिसकी वजह से वहां हड़कंप मच गया। हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें शहर के बीचों बीच एक इमारत में विस्फोट होता हुए दिखाई दिए, जिन्हें कई किलोमीटर दूर से भी साफ देखा जा सकता था। इसके बाद वहां काफी देर तक धुआं उठता नजर आया। वहीं हमले की वजह से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की तरफ से हमले में एक आदमी की मौत का भी दावा किया गया है। 28 मई को भी कीव पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ था। पुतिन की सेना ने 5 घंटों तक लगातार कीव के अलग अलग हिस्सों पर ड्रोन बरसाए थे। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के रातों रात चलाए गए 31 शाहिद ड्रोनों में 29 ड्रोन मार गिराए। 2 दिन पहले ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने जंग में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया था। और यूक्रेन की एयरफोर्स ने एक बयान जारी करके कहा कि रूस ने एक बार फिर उस पर 31 शाहिद ड्रोन बरसाए। बताया गया कि इस बार भी रूस का निशाना राजधानी कीव ही थी, लेकिन इससे पहले कि रूस को ईरान से मिले शाहिद ड्रोन कीव पर फटते, यूक्रेन ने 31 में 29 ड्रोन आसमान में ही ढेर कर दिए। मतलब यूक्रेन ने रूस के दागे 93% ड्रोन शूट कर दिए। रूस के बस 2 ड्रोन ही यूक्रेन में ब्लास्ट हो पाए। इधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन के नए घोरक धंधे का पर्दाफाश हो गया। चीन ने विदेशी कलपुर्जों की मदद से बने जहाज को पूरी तरह से मेड इन चाइना बता दिया और पूरी दुनिया में झूठ का डंका बजा दिया। असल में एक रोज पहले चीन के शंघाई से बीजिंग तक चीन के विमान C919 ने 128 यात्रियों के साथ सफल उड़ान भरी थी, जिसके बाद चीन ने अमेरिका की विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी एयरबस को टक्कर देने का दावा कर दिया। लेकिन पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन के C919 में लगे ज्यादातर कलपुर्जे पश्चिमी देशों में ही बने हैं, जिन्हें चीन के इंजीनियरों ने C919 विमान में लगा दिया। मतलब ये कि जिस विमान को पूरी तरह स्वदेशी बताकर चीन अपनी छाती ठोक रहा है, दरअसल उसके पार्ट्स विदेशों में तैयार किए गए। अपने दावे में पश्चिमी मीडिया ने विमान के कुछ हिस्सों की तस्वीरें भी जारी की। हालांकि चीन की तरफ से पश्चिमी मीडिया के दावे पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई।